शनिवार के दिन पलेरा के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र लहर बुजुर्ग पंचायत में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर पर आगामी 5 जनवरी को गौ भक्त भक्ति तिवारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा रावतपुरा सरकार के सानिध्य में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और दोपहर में 2 लाख लोगों का भंडारा कराया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को भक्ति तिवारी ने नगर में घर घर जाकर पीले चावल देकर आयोजन में सम्मिलित होने का न्योता दिया। उन्होंने बताया कि नगर में स्वयं जाकर न्योता दिया गया है क्योंकि बीते विगत 2 वर्षों में आम जनमानस कोरोना जैसी महामारी से हताहत हुआ है। ये आयोजन संपूर्ण क्षेत्र की जनता की सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये मेरा इस खरगापुर विधानसभा में 16वां कार्यक्रम है। इसके पहले भी मैंने अलग अलग क्षेत्रों में यज्ञ भंडारे किए हैं। इस कार्यक्रम का मेरा मूल उद्देश्य है कि क्षेत्र में जातिवाद, वर्गवाद, व्यक्तिवाद का जो बोलबाला है, सामाजिक समरसता जो बिगड़ रही है, वो इस यज्ञ के माध्यम से मैंने एक नया प्रयोग किया है। 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं जो केवल पहले ब्राह्मण करते थे, परंतु मैंने इन 1.25 लाख पाठ के माध्यम से समाज में समरसता लाने का भाव लाया है और समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठ करके 40-50 हज़ार लोगों की एक साथ बैठने की मैंने व्यवस्था बनाई है। पूज्यनीय रावतपुरा सरकार जी के सानिध्य में 40-50 हज़ार लोग एक साथ बैठ करके 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में हमारे सिद्ध बाबा पलेरा की भूमि से एक संदेश जाएगा कि आप सामाजिक समरसता लोग कितने ही बिगाड़ें, परंतु यहाँ सारी जातियों के लोग बैठ के एक साथ हनुमान चालीसा का पाठन कर रहे हैं। और मेरा केवल जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारे पूर्वज समाज को एक माला में परो करके एक साथ अपना जीवन यापन करते थे, वैसा ही पुनः बुंदेलखंड में और पूरे देश में सामाजिक समरसता बने। हम आप सभी जाति के लोग हिंदू सारे मिलकर एक भाव से रहें और समाज का और देश का कल्याण हो। और लगभग 2 लाख लोगों का भोजन है, भंडारा है, सभी क्षेत्रवासी इसमें जो है प्रसादी ग्रहण करेंगे और भगवान की चर्चा के उपरांत यहाँ से सत्कर्म लेकर के व्यक्ति अपने अपने घर जाएंगे। और इस कार्यक्रम में चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति से प्रेरित भी ये कार्यक्रम है, पर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे किसी भी आयोजन में ना तो प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति की ना कोई चर्चा होती है और ना मेरा केवल राजनीति करने का लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है समाज में समरसता का भाव मजबूत हो, छोटे बड़े सभी जाति के लोग कैसे आगे आएँ, समृद्धिण कैसे उनका विकास हो, कैसे हम अपनी संस्कृति को पहचानें, केवल और केवल मात्र यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का है।